सबसे पहले आपको इन पांच गलतियों को करना छोड़ना होगा अगर आप YouTube पर पैसा कमाना चाहते हैं, अपने गरीबी को दूर करना चाहते हैं। एकमात्र लक्ष्य सबका यही होता है कि मैं किसी तरह पैसा कमाऊं। अगर आप यही पांच गलती बार बार करेंगे तो आप कभी भी यूट्यूबर नहीं बनेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर गलतियां करते हैं तो आप कभी भी, चाहे तो आप 2 साल काम कर लीजिए, चाहे फिर आप 5 साल काम कर लीजिए, आप कभी भी यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल पर गलती नहीं करना है। खास करके नए यूट्यूबर्स, जो नए नए क्रिएटर आते हैं दोस्तों, वह बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं और मैं उन्हीं गलतियों का यहां पर बताने आया हूं, क्योंकि आपको गलती ही नहीं करना मेरे भाई। पांच गलती मैंने पकड़ा है नए यूट्यूबर का, जो मेरे ही सब्सक्राइबर थे। दोस्तों, मैं उन पांच गलतियों को बताने वाला हूं जो आपको नहीं करना है, नहीं तो आप कभी भी YouTube से पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप बस काम करते रह जाएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे और आपका मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पांच गलतियों को सबसे पहले जान लीजिए और अपने चैनल पे तो बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, बात करते हैं पांच गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता है। साथ इंस्टाग्राम है govinda18 के, जाकर फॉलो कीजिएगा। देखिए यार, इंस्टा आईडी। दोस्तों, बात करते हैं नए यूट्यूबर के बारे में। देखिए, नए यूट्यूबर अक्सर जब यूट्यूब पे आते हैं तो वह ज्यादातर गलती ही करता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता यूट्यूब के बारे में। मान लीजिए आप ही यूट्यूब पे आए हैं, आपको यूट्यूब का नॉलेज नहीं, आप क्या करेंगे? कुछ भी कर दीजिएगा, आपको पता ही नहीं यूट्यूब के बारे में, आपको उतना आइडिया नहीं है। देखिए, पहला गलती क्या करते हैं यूट्यूबर, सबसे पहला गलती उनका यह है, जैसे मान लीजिए आप चैनल बनाए, नॉर्मल चैनल कोई भी बनाता है, और चैनल बनाकर वह कैटेगरी चूज नहीं करते हैं। सबसे पहला गलती, मान लीजिए अगर आप चैनल बनाए हैं और यूट्यूब को यह पता ही नहीं है कि आपका जो चैनल है, जो आपका वीडियो है, वह किस कैटेगरी में आता है। आप इंटरटेनमेंट बनाते हैं, आप कॉमेडी बनाते हैं, आप एजुकेशन बनाते हैं, आप टेक्स के वीडियो बनाते हैं, या म्यूजिक वीडियो आपका है, आपका किस चीज का वीडियो है, यह यूट्यूब को नहीं पता है। तो आप खुद सोचिए, जब उसे पता ही नहीं है तो वह किन लोगों के पास, किन ऑडियंस के पास आपके वीडियो को भेजेगा। तो सबसे पहला गलती यही है नए यूट्यूबर का, चैनल बना लेते हैं लेकिन भाई उनको चैनल बनाने का आइडिया नहीं होता, नॉर्मल चैनल बनाएंगे, कैटेगरी चूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला गलती है कि आपको कैटेगरी चूज करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपका चैनल जिंदगी भर वायरल नहीं होगा। और कैटेगरी चूज नहीं करने आता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ है, कैटेगरी कैसे चूज किया जाता है और कौन सी वीडियो का क्या कैटेगरी होगा उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, उसको देख लीजिएगा। और चैनल नहीं बनाने आता है उसका भी लिंक दिया, उसको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों, बात करते हैं दूसरे गलती के बारे में। तो जो दूसरा गलती है दोस्तों, वो भी बहुत बड़ा गलती है नए यूट्यूबर का। वह गलती यह है कि नए यूट्यूबर क्या करते हैं भाई, आज के दिन टेक वीडियो डाले, मान लीजिए आपका टेक कैटेगरी है, आपने कैटेगरी को चूज किया है टेक वीडियो आज आप डाले तो पता चलता है कल आप ब्लॉग डाल दिए, तो उसके अगले दिन आप पता चलता है कि भाई कुछ और डाल रहे हैं आप, पता चल ट्रेवल कर रहे हैं, उसके अगले दिन पता चलता है कि आप एंटरटेनमेंट वीडियो डाल रहे हैं। तो आपको मिक्स कंटेंट नहीं डालना है। मिक्स कंटेंट का मतलब है कि आपको खिचड़ी नहीं बनाना है। खिचड़ी में जैसे होता है ना, सब कुछ डाल दो, चावल डाल दो, दाल डाल दो, धनिया पुदीना जो भी है, लहसुन टमाटर डालते हैं ना, वैसे आपको नहीं डालना, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्योंकि यूट्यूब खोजता है कि आपका चैनल किसी एक नीच पर हो, किसी एक बेसिस पे हो। जैसे मान लीजिए मैं वीडियो डालता हूँ, टेक डालता हूँ तो सिर्फ टेक डालता हूँ, उसी तरह आपको सिर्फ एक कंटेंट डालना है जिसमें आपका कैटेगरी में होगा, जो आप कैटेगरी चूज करेंगे उसी कैटेगरी में वीडियो डालना है। यह दूसरा गलती है, यह भी आपको नहीं करना है। और बात करते हैं तीसरे गलती के बारे में। तीसरा गलती भी बहुत खास है। जैसे देखिए, नए यूट्यूबर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आएंगे पूरे जुनून के साथ, चीर देंगे फाड़ देंगे, पैसा कमाएंगे, पहला दिन वीडियो डालेंगे, दूसरा दिन वीडियो डालेंगे, तीसरा दिन वीडियो डालेंगे, चौथा दिन डालेंगे, ऐसे 10 दिन तक लगातार वीडियो डालते हैं, उसके बाद वीडियो नहीं डालते हैं। जब व्यूज नहीं आता है तो वीडियो नहीं डालते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप भाई चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लगातार कंटेंट देना होगा। आप देखिए, अगर लगातार कंटेंट देंगे तो आपका चैनल जो है वो रन में रहेगा, लोग आपको जाने। एक बंदा है जो लगातार यूट्यूब पर काम करता है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, अगर मैं आज से 20 दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा और उसके बाद मैं बनाऊंगा तो बहुत लोग मेरे को भूल जाएंगे, इस चेहरे को भूल जाएंगे। क्योंकि भाई आप किसी की नजर में आते रहते हैं तो आपका छवि बना रहता है, इसलिए आपको लगातार कंटेंट डालना है ताकि आपका चैनल भी ग्रोथ में रहे और लोग आपको जाने भी। तो यह भी गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, एक और गलती, जो चौथा गलती है, वह सबसे बड़ा गलती क्या है पता है? वह गलती दोस्तों यह है कि आप चैनल बनाते हैं और बनाकर पहला दूसरा वीडियो डालते हैं और अपने फ्रेंड दोस्त मम्मी पापा भाई बहन जीजा मौसा मौसी फूफा फूफी जो भी है सबको आप चैनल का लिंक भेजना शुरू कर देते हैं, ए लो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लो, ए लो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लो। ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं, मान लीजिए मैंने किसी से सब्सक्राइब करवाया, मान लीजिए मेरा 50 दोस्त है, मैंने 50 दोस्त को चैनल का लिंक भेजा, सबने सब्सक्राइब किया, ओके, और जब मैं वीडियो अपलोड किया किसी ने भी मेरा वीडियो वॉच नहीं किया, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था उस वीडियो में। उस बंदा ने सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब किया मेरा चैनल, क्योंकि वह मेरा दोस्त था, नहीं तो वह नहीं करता। और मैं वीडियो डाला टेक, उसको टेक में इंटरेस्ट नहीं है, 50 लोग सब्सक्राइबर थे मेरे, नहीं देखे। उसके बाद यूट्यूब को क्या लगता है कि इसका रिसेंटली सब्सक्राइबर इसका वीडियो ही वॉच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके वीडियो में कोई दम नहीं है। तो भाई वह रीच को डाउन कर देता है, वह आपकी वीडियो को रिकमेंड करना बंद कर देता है। तो सबसे पहला काम है यूट्यूब पर,
अगर आप वायरल होना चाहते हैं तो आपका रिसेंट सब्सक्राइबर जो रिसेंटली आया है, जल्दी में आया है, वो आपका वीडियो वॉच करना चाहिए, तब आपका चैनल ग्रोथ का जो लेवल है ना बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले यह काम नहीं करना, चाचा मौसा मौसी को भाई नहीं बेचना है। आप जो भी सब्सक्राइबर इकट्ठा कीजिए जेनुअन, बिल्कुल मेरी तरह, मैं जब चैनल शुरू करता हूं तो जीरो सब्सक्राइबर से शुरू करता हूं, मैं कहीं लिंक नहीं बेचता। सब्सक्राइब करना हो कंटेंट पे करो, नहीं तो मत करो, उतना ज्यादा मत सोचो। आप कंटेंट पे काम कीजिए, लोगों को मजबूर कीजिए, आप एक कल बनिए, कल लोगों को प्यासा बनाइए, प्यासा आना चाहिए कल के पास, और आप कल उठकर जा रहे हैं प्यासे के पास, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चैनल भाई नहीं चलेगा। ठीक है, यह रहा चौथा गलती। पांचवा गलती दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, पांचवा गलती भी बहुत बड़ा गलती है यूट्यूब की दुनिया में। बहुत लोग क्या करते हैं, नए यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूं, पता है क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज ट्रेंडिंग में है, कोई चीज पर ज्यादा व्यू आ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, उसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, या फिर उसी ट्रेंडिंग टॉपिक को क्या करेंगे, डाउनलोड करके डाल देते हैं। वो तो रिव्यूज लग जाएगा, वो तो मोनेटाइज होगा नहीं, तो किसी का वीडियो डाउनलोड करके नहीं डालना है अपने चैनल पे। और दूसरा, अगर आप मान लीजिए मेरा टेक कैटेगरी है, और मान लीजिए कोई मैटर हुआ, अभी मान लीजिए कुछ उस तरह का मैटर हुआ जो वायरल हुआ, और मैं उसको क्या करूं, मैं उसी पे वीडियो बना दिया, मैं मेरे चैनल पे उस टाइम व्यूज आ जाएगा, लेकिन बाद में मेरा चैनल बर्बाद हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि वायरल टॉपिक जो भी होता है ना, वह सिर्फ वायरल समय ही देखा जाता है, जिस टाइम उसका चर्चा होता है, जिस टाइम वो वायरल रहता है, उसी टाइम तक उसे देखा जाता है, बाद में नहीं देखा जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल पे काम किया है, ठीक है, उसी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्या होता है पता है, बहुत लोग मान लीजिए एक छोटू आरती करके मैटर था बिहार में, वह चैनल काफी उस टाइम वह ट्रेंडिंग में था, बहुत लोग डाल रहे थे, मैंने भी डाला एक चैनल पे, मैंने उस टाइम पर करीब 3-4 मिलियन व्यूज लाया मात्र 5 से 6 दिन में। बाद में वह चैनल पे 12,000 सब्सक्राइबर हो गया, और आज मैं उस पर कुछ डालता हूं तो व्यूज नहीं जाता है, बिकॉज उस टाइम भाई वह चीज ट्रेंडिंग में था। इस चलते कभी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को मत पकड़िए अपने कंटेंट को छोड़कर, आपका जो कैटेगरी है उसी में काम कीजिए, नहीं तो आपका चैनल आगे चल के फ्रीज हो जाता है, आप रोने लगते हैं भाई मेरा व्यूज नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी गलती आप यहां करते, यह भी गलती आपको नहीं करना, या पांच गलती ऐसा है जो अगर आप करते हैं तो कभी भी जो होता है ना, कभी भी आप YouTube में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन पांच गलतियों को करना छोड़ना होगा, अगर आप YouTube पर पैसा कमाना चाहते हैं, अपने गरीबी को दूर करना चाहते हैं, एकमात्र लक्ष्य सबका यही होता है कि मैं किसी तरह पैसा कमाऊं। अगर आप यही पांच गलती बार बार करेंगे तो आप कभी भी यूट्यूबर नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले इसे आपको छोड़ना होगा। मैं सोचा क्यों ना सबको बारीकी से समझा दिया जाए, क्योंकि मैं बहुत लोगों का गलती देखा हूं, जब मैं लाइव आता हूं तो मैंने कई बार देखा है कि क्या करते हैं, बहुत लोग चैनल का लिंक भेजते हैं या कमेंट करते हैं, मैं उनके चैनल पर जाऊंगा तो पता चलेगा एक ब्लॉग का वीडियो मिलेगा, एक मेकअप का मिलता है, तो एक एंटरटेनमेंट का मिलेगा, एक टेक का मिलेगा, इस तरह से काम करते हैं। इसीलिए मैंने पांच गलतियों को निकाला और मैंने आप सबके बीच रखा, ताकि आप सब समझ पाए। अगर नहीं समझेंगे भाई आपका चैनल नहीं चलेगा, बाद में आप लाइव में आएंगे फिर रोएंगे भाई व्यूज नहीं आता, ये नहीं आता। अरे पहले आप YouTube को समझो, YouTube एक पढ़ाई की तरह, अगर आप ये समझ लेते हैं और इसके नियम के अनुसार चलते हैं तो आपका चैनल चलता है, अगर आप नहीं चलते हैं तो भाई आपका चैनल नहीं चलता है, बाद में आप रोते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सही करना है, सही ढंग से चलाना है, ताकि आपका चैनल आगे जाए और आप बहुत ज्यादा पैसा कमाए YouTube की दुनिया में। तो दोस्तों यह था पूरा जानकारी, उम्मीद करते हैं आप कुछ समझे होंगे, अगर समझे होंगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो क्या ही बोलूं। मैंने इतना अच्छे से सबको समझाया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर क्या समझ में आएगा यार आपको। और इसी के साथ अब हम लेंगे इजाजत और चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही इंस्टाग्राम गोविंदा18 के हैं जाकर फॉलो कीजिएगा, वहां पे बातें होगी, चैनल प्रमोशन भी होगा, सब कुछ होगा, और जितना ज्यादा आप कमेंट कर सकते हैं, यार मैंने सब व्यक्ति का एक एक कम्युनिटी किया है, मैं सबका कम्युनिटी करता हूँ सिर्फ कमेंट पढ़कर, किसी का कमेंट अच्छा रहता है तो कर देते हैं, तो आपको भी कमेंट करना। तो यार अभी का वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में बताइएगा।